मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा सरकार महाजन संपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान को और गति देने के लिए रविवार को रक्षा मंत्री रामनाथ सिंह अपनी पहली जनसभा उन्होंने फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के कागारोल में की। यहां उन्होंने कहा कि आज के ही दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी, यहां काला अध्याय सदैव याद रखा जाएगा। मैंने भी 16 महीने जेल में बिताए थे। आपको बताते चले, कागारोल किदवई इंटर कॉलेज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। इसी कड़ी में मलपुरा के ग्राम प्रधान चौधरी हिम्मत सिंह, 50 गाड़ियों का काफिला मेयर हेमलता दिवाकर और सांसद राजकुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौधरी हिम्मत सिंह ग्रामीण व कार्यकर्ताओं के साथ कागारोल महासभा में पहुंचे। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी सरकार महाजन संपर्क अभियान चला रही है। आपको बता दें, महासभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पटना में पीएम नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए बैठक कर रही है। कहती है कि देश में लोकतंत्र नहीं है तो हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक में उनकी सरकार कैसे बनी। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया, देश को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया है। वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था में 11वां स्थान पर था हमारा देश, आज 5वें स्थान पर आ चुका है। ग्राम प्रधान चौधरी हिम्मत सिंह के साथ अजीत सिंह, दीपू चौधरी, मंडल अध्यक्ष धर्मपाल चाहर, मेघश्याम चाहर, अनुज परमार, मोनू चौधरी, रामेश्वर बघेल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। मलपुरा बताइए, आज रैली जा रही है, कहाँ के लिए प्रस्थान कर रही है? मैं चौधरी हिम्मत सिंह, ग्राम प्रधान मलपुरा। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल पूरे के उपलक्ष्य में जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किदवई जो है पार्क में एक रैली सभा का आयोजन किया गया है। उस सभा में मैं अपने दल बल के साथ लगभग 50 गाड़ियों के साथ जो है सभा की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहूँगा, सपा, बसपा और सारी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहूँगा, जो विरोध पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, राजनीति जनता के आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए। राजनीति आनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डाल कर राजनीति आनी चाहिए। तमाशा बना दिया है। मैं जानता हूं कि 2014 में एक बहुत आस लगाकर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में एनडीए की सरकार बनाई। उस समय में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने घोषणा उस समय की थी, मुझे लगता था क्या होगा, लेकिन जनता ने मोदी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए गुजरात में देखा, उनके ऊपर भरोसा किया और 2014 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजोरिटी देकर उनकी सरकार बनाई थी। उस